हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में वीकली सेल्स चार्ट क्रिएट करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, वीकली सेल्स चार्ट, तो सेल्स चार्ट क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कोई सेल्स टीम होती है तो वीकली के बेस पर उनकी जितनी सेल्स होती है तो उसका क्या है, जब प्रेजेंट करना होता है डेटा हमें विद चार्ट के साथ, तो उसे हम वीकली सेल्स चार्ट के नाम से कहते हैं। तो यहाँ पर वीकली सेल्स चार्ट कैसे आप बनाएंगे एक्सेल में, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ डेटा बनाएंगे। तो एक कॉलम हम रखेंगे यहाँ पर सेल्स पर्सन का, ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा। देन हम यहाँ पर वीक के डे रखेंगे। तो वीक के डे में यहाँ 6 रख रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ 5 भी रख सकते हैं। तो डे कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितना रखना है। तो मैं यहाँ रखूँगा मंडे से सैटरडे। तो नॉर्मली आज के टाइम पर जैसे मंडे टू फ्राइडे होता है, तो जिस हिसाब से आपको कन्वीनियंस है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डे डिसाइड कर सकते हैं। पर मैं अभी यहाँ पर मंडे के हिसाब से, मंडे टू सैटरडे के हिसाब से आपको बताऊँगा। तो ये मंडे हो गया हमारा। फिर हम टाइप करेंगे यहाँ पर ट्यूसडे और उसको हम ड्रैग कर लेंगे सैटरडे तक। तो ये हमारा हो गया 6 डे हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब यहाँ पर हमें सेल्स पर्सन के नेम यहाँ पर टाइप करने हैं। तो मंडे इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और ये भी हमारा इस तरह से बोल्ड है। ये हो गया हमारा हेडर। अब यहाँ पर हम सेल्स पर्सन नेम टाइप कर लेते हैं, रमेश कुमार मनीष जोशी। राहुल सिंह मनोज कुमार कमल सिंह रजनीश कुमार रीता सिंह, ये मैंने कुछ यहाँ सेल्स पर्सन के नेम यहाँ पर मैंने टाइप कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर हमें इनकी सेल डालना है इनका डे के हिसाब से। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रैंड बिटवीन। तो हम ले लेते हैं 2000 हमारा हो जाएगा बॉटम, सबसे कम वैल्यू हो जाएगी। टॉप की हम रख लेते हैं यहाँ पर 6000। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। तो इसको हम अब ड्रैग करेंगे सभी जगह, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे सबकी यहाँ पर सेल आ गई है। अब इसको थोड़ा हम यहाँ पर सेंट्रलाइज कर देते हैं और इसकी बॉर्डरिंग कर देते हैं सही से, और इसको हम इसकी आउटिंग बॉर्डर भी हम थोड़ा सही से कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया डेटा। अब इस फंक्शन को हम यहाँ रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू में पेस्ट कर लेते हैं। तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पर रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर हमारा डेटा बन के तैयार है, सेल्स पर्सन के नेम हो गए और मंडे टू सैटरडे जो है सभी की यहाँ पर सेल भी हो गई है, जितने भी ये सेल्स पर्सन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसका हम चाहें तो टोटल सेल भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, वो हम यहाँ रख लेते हैं टोटल सेल्स। तो उसके लिए हम यहाँ ट्राई करेंगे सम। इसको हम सेंट्रलाइज कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर सेल्स का डेटा भी यहाँ पर आ गया है। तो ये डेटा हमारे यहाँ पर बन गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इस पर अप्लाई करेंगे पीवट चार्ट। तो उसके लिए पीवट चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे डेटा को। डेटा सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इंसर्ट में आना है। तो इंसर्ट में आपको चार्ट यहाँ पर 3D कॉलम वाला ले सकते हैं या 2D वाला, जो भी आपको बेस्ट लगता है। पर मैं अभी के लिए यहाँ पर 3D वाला दिखाऊंगा आपको। तो 3D वाला मैंने यहाँ पर कोई भी हम एक चेक कर लेते हैं। तो ये वाला है सिंपल, जिसमें आपको समझ में थोड़ा आ जाएगा। तो ये चार्ट हमारा यहाँ पर बन गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको हम थोड़ा और इसका साइज़ इंक्रीज कर देते हैं। तो ये चार्ट हमारे यहाँ बन गया है। अब यहाँ पर देखिए,
रमेश कुमार से लेके रीता सिंह तक के सभी सेल्स पर्सन के नेम आपको यहाँ दिख रहे हैं। और ये जो आपको ये कलर नज़र आ रहा है मंडे ट्यूसडे, तो ये जो कलर है ये मंडे है और इसी तरह ट्यूसडे के लिए ये वाला कलर है, तो इसको आप इस तरह से कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। वेडनेसडे के लिए ये है, थर्सडे के लिए ये वाला है, फ्राइडे के लिए ये वाला और सैटरडे के लिए ये वाला। तो टोटल सेल्स का एक अलग है क्योंकि हमने यहाँ पर विद हेडर के साथ यहाँ पर लिया है। तो ये हमारा यहाँ पर चार्ट आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, चार्ट का टाइटल रख लेते हैं यहाँ पर वीकली सेल्स चार्ट। तो ये डेटा हमारे यहाँ पर बन गया, चार्ट बन गया है। अब चार्ट के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या चीज़ आई है हमारे पास, एक तो आया सेल्स पर्सन नेम और यहाँ पर डे आ गए हमारे पास, है ना। पर हमें इसकी इन सभी के यहाँ पर सेल की वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस वाले साइन पर आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ रहा है डेटा लेबल्स, तो इसको आपको क्लिक करना है। अब डेटा लेबल में क्या हो रहा है, तो इसको आप जो है यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाके इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से भी ट्राई करेंगे। अब जैसे ये है, ये डेटा आपको जैसे यहाँ पर सेल्स पर्सन है वो आपको यहाँ पे दिख गए। अब आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसको हम किसी और दूसरे तरीके से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको प्लस करेंगे तो इसको आप यहाँ से अनटिक कर देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, इस तरह से हट गया है। तो यहाँ पर डेटा जब लेवल में आप आते हैं तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मोर ऑप्शन का एक क्लिक है, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये तो आ ही गया है डेटा, जो वैल्यू आपको दिख रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन और सारे हैं कि किस तरह से आपको इसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि थोड़ा इसलिए ये आपको थोड़ा ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें डेटा हमारे पास बहुत उसमें हो गया है, तो इसको हम इस चार्ट की बजाय हम इसको दूसरी चार्ट में भी इसको दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस पर आएंगे, हम इंसर्ट वाले सेक्शन में फिर से आएंगे। तो यहाँ से हम दूसरे चार्ट को ले लेते हैं, ये वाला चार्ट आई थिंक बेस्ट रहेगा अगर आपको ये वाला चार्ट, तो ये चार्ट सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से अच्छे उसमें फॉर्मेट में आ गया है जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वीकली सेल्स चार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रमेश कुमार है, उसका मंडे की सेल इतनी है, फिर ट्यूजडे की इतनी है। जैसे आप जिस पर जो कर्सर रखेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसी तरह देखिए रमेश कुमार से लेकर रीता सिंह तक की सभी की यहाँ पर आपको सेल दिख गई है। अब इसके अंदर क्या है, जब आप यहाँ पर आएंगे इस वाले फॉर्मेट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको चार्ट के बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो कौन सा चार्ट आपको यहाँ यूज करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ये वाला ऑप्शन आप यहाँ रख सकते हैं, इस तरह से आप ये दिखा सकते हैं, और 3D वाले शेड में आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप रख सकते हैं कंटिन्यू में, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, इसको भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, बट आपकी नीड के ऊपर है। और कलर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है, बैकग्राउंड या जो भी रखता है आपको, तो इस तरह से आप कोई भी कलर यहाँ अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे ये वाला है, ये वाला सही है तो इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो स्टाइल इसके अंदर बहुत सारे हैं, तो इसको हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो रमेश कुमार है, उसका यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, यानी कि सिक्स डे के हिसाब से यहाँ पर उसकी सेल यहाँ पर आ रही है। तो जो आपको टॉप में जो नज़र आ रहा है ये इन सभी की यहाँ पर टोटल सेल है, जो कि अगर मैं आपको इसको थोड़ा साइज़ इसका इस तरह से करूँ छोटा, तो ये देखिए इसको मैं यहाँ से अगर रिमूव करूँ और इसको थोड़ा मैं यहाँ से मूव करूँ,
तो ये जो टोटल आपको नज़र आ रहा है वो ये वाला है, जैसे रमेश कुमार है उसकी टोटल जो सेल है ये है 19,654। इसी तरह मनीष जोशी की है, तो ये टोटल इसका जो है यहाँ पर टॉप में आ रहा है। इसको हम मूव कर लेते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से इसको ड्रैग करके, अगर आपको चाह रहा है कि ये चीज़ अगर इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अभी ये ठीक है, विजिबल हो रहा है दिखने में, तो इसको आप, क्योंकि चार्ट इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें हमारे पास डेटा जो है बहुत वीक के नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, तो इसलिए चार्ट जो है थोड़ा यहाँ पर बड़ा लग रहा है। तो आप चाहें तो एक बार फिर से हम इसको रिक्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको स्टार्टिंग से यहाँ से सेलेक्ट करके तो इंसर्ट में आ जाना है। इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर अब चार्ट जैसे मैंने आपको ये दिखाया, जैसे इसमें क्या है कि आपको चीज़ें सही दिख रही हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको ये है तो उस केस में फिर ये वाला चार्ट जो है बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये जो है 2D बार में इस तरह दिखा, 3D बार में अगर आपको दिखाना है तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्ट थोड़ा छोटा भी हो गया है लेकिन ये थोड़ा दिखने में भी सही लग रहा है, तो इसको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं चार्ट के, तो जो आपको यहाँ सही लगता है अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला चार्ट है तो इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे ये वाला चार्ट मैंने अभी यहाँ पर लिया है, तो अब यहाँ पर क्या है, अब डेटा लेबल हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम डेटा लेबल में क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सारा डेटा आपको यहाँ पर इस तरह से दिख गया है। अगर आप चाह रहे हैं कि डेटा को आपको, जो डेटा हमारा अभी यहाँ करंट में आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो डेटा टेबल है इसको भी अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है विद चार्ट के साथ, तो उसको भी आप यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए रमेश कुमार है, जैसे उसका यहाँ डेटा है तो उसकी जो लास्ट की वैल्यू है टोटल वो यहाँ पर आ गई इसकी। फिर मनीष जोशी की यहाँ पर है, नीता कुमारी की टोटल यहाँ पर है, राहुल सिंह का यहाँ पर है, मनोज कुमार यहाँ पर, कमल सिंह यहाँ पर, रजनीश कुमार यहाँ पर, रीता सिंह यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ से डेटा लेबल को रिमूव करके, अगर आपको लगता है कि इसको आप यहाँ से रिमूव करके खाली चार्ट यहाँ पर बना सकते हैं, और ये आप यहाँ पर फिगर यहाँ से इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन यहाँ पर ये है, दूसरा इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक्सिस स्टाइल जैसे आपको यहाँ पर रखना है नहीं रखना है वो यहाँ से हटा सकते हैं, इसको भी आप इस तरह से यहाँ हटा सकते हैं। तो यहाँ पर चॉइसेस बहुत सारे हैं आपके पास, जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इस चार्ट का भी अगर आपको यहाँ पर, जैसे मैंने दिखाया आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो बैकग्राउंड में आप इसको इस तरह से भी यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी है, और कलर आप चार्ट का कोई भी यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अगर इसको आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डेटा टेबल की नीड नहीं है तो इसको आप इस तरह से यहाँ रिमूव कर सकते हैं, और सिंपली इसमें आप जो है डेटा को जो लेबल है उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मोर ऑप्शन में भी जाके आप इस तरह से यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा चार्ट तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, दूसरा चार्ट यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ट बहुत सारे हैं, इसी में ही अगर हम आएँ इसी चार्ट के अंदर जो मैंने आपको दिखाया, तो उसमें भी इस चार्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं ये वाला। इसमें क्या है कि आपको चार्ट जो है पूरा यहाँ पर सही से नज़र आ रहा है, जो कलर है ये जो है डे के हिसाब से, जैसे मंडे के लिए ये ब्लू हो गया, फिर ट्यूजडे के लिए ये वाला कलर हो गया, फिर वेडनेसडे के लिए, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो थोड़ा इसको आप और थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं इस तरह से, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसको डेटा लेबल आप यहाँ पर ऐड कर देंगे इसका। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें भी आपको डेटा टेबल ऐड करना है तो उसको भी आप यहाँ पर डेटा टेबल में इस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये डेटा जो कि अभी मैंने बनाया है वो सेम यहाँ पर आपको दिख गया इस तरह से।
तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, जो भी आपको सही लगता है वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेस टाइटल दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं, बाकी चार्ट का टाइटल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इसी चार्ट के अंदर और भी अगर कुछ डिफरेंस चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, तो ये जो लास्ट में आपको ये जो देख रहा है वैल्यू, ये है टोटल, टोटल जो वैल्यू है वो जो इसका ओवरऑल जो निकल के यहाँ आया है वो वैल्यू आपको दिखा रहा है। जैसे रमेश कुमार है उसकी यहाँ पर 19,000, फिर मनीष जोशी की यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से 21,000, और राहुल सिंह की है 25,000। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको बताए हैं कुछ बेसिक चीज़ें, वीकली सेल्स चार्ट आप कैसे एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से आप जो है फॉर्मेट ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ इंसर्ट के अंदर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, जब डेटा आपके पास बड़ा होता है तो आप उस पर ट्राई यही कीजिएगा कि आप या तो 3D कॉलम वाले इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, तो यहाँ पर क्लस्टर्ड कॉलम ले सकते हैं, या इस तरह से आप दिखा सकते हैं स्टैक्ड वाला कॉलम, और 2D वाला आप कंसिडर कर सकते हैं इस तरह। लेकिन इस तरह के चार्ट में जो है आप पाई चार्ट को कृपया ट्राई ना करें, तो इसके लिए आप यही वाला चार्ट यहाँ पर कर सकते हैं, 2D कॉलम या आप 3D कॉलम, या 2D बार या 3D बार। तो इस तरह के बहुत चार्ट हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।